मेरी बारी। नून मिर्च हल्दी चटाक। अब मेरी बारी। नून मिर्च हल्दी चटाक। नून मिर्च हल्दी चटाक। अब मेरी बारी। खा पहले तू। तूने अटाया क्यों? तूने मुझे मार ले। मैं भी तेरे को अब मारूंगा। तूने मुझे क्यों मारा था? तूने मुझे क्यों मारा? 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 तू रो मत। अच्छा छोरी सॉरी। रो मत ना प्लीज। रो मत। फिर मैं भाग जा रहा हूँ इधर से। ये तो चुप ही नहीं हो रही है। कुछ तो करना पड़ेगा। नैन्सी, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कल कहा था ना कि हमें दूसरे शहर जाना है, पापा की ट्रांसफर हो गई है, और तुम अभी तक यहीं खेल रही हो। मैंने तेरे कपड़े पैक कर दिए हैं और गाड़ी बाहर खड़ी है, चल अब। मम्मी मैं विनय से प्यार करती हूँ। चुप कर, प्यार करती हूँ तुझे पता भी है प्यार का मतलब क्या होता है? अभी छोटी बच्ची है तू, चलो। जाता अब तेरे दिन, खुद से पूछ कैसे कटे होंगे उसके दिन। मैंने तुम्हारी बात मानी है, मैंने मनाया दिल को है कैसे। अब से रहो तो खुश जहां भी हो, मेरा तुम्हारा था भी क्या वैसे। भले दूरी रहे जितनी निगाहों से निगाहों की, मगर ख्वाबों की दुनिया में मिलूंगा तुमसे रोजाना। यही तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना। कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। A for apple, B for ball, C for cat. F for तुम दोनों बातें क्यों कर रहे हो? चलो उठो, इधर आओ, खड़े जो पीछे।
नैन्सी है, नैन्सी की वीडियो। वीडियो तो उसने बहुत अच्छी बना रखी है। नैन्सी, फिर नैन्सी, फिर नैन्सी, फिर नैन्सी। 50 मिलियन व्यूज। ये मेरी फ्रेंड नैन्सी है ना। ये तो वायरल हो गई। एक काम करती हूँ, इसका जाके इंटरव्यू लेती हूँ। हाँ, मेरी भी टीआरपी बढ़ जाएगी। तो स्वागत है आपका परसों तक चैनल में। आज हम बैठे हैं मिस फैंसी नैन्सी के साथ। आपने तो इनको जरूर देखा होगा, यही है वो वायरल गर्ल जो सोशल मीडिया पे छाई हुई है। कैसे हैं मैम आप, और आपको कैसा फील हो रहा है? मेरा मेकअप तो ठीक है ना? लिपस्टिक लगी हुई है? हाँ यार, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना ब्लशर ज्यादा लगा लेती हूँ। लगाओ। हाँ मैं अभी आती हूँ, ठीक है? चलिए चलिए, हो गया आपका? हाँ तो चलिए जानते हैं हम इनसे इनको कैसा फील हो रहा है। मैम आपको कैसा फील हो रहा है? सुसु सुसु आ रहा है। एक मिनट में आई। कट कर देना, यही होता है जो वायरल हो जाते हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं इनको कैसा फील हो रहा है। मैम आपको कैसा फील हो रहा है? वो क्या है ना, मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ, और जब भी मैं नर्वस होती हूँ ना मेरे को पोटी आ जाती है। पोटी आ रही है, कर रहा हूँ। बाई कट कर दे। देख जो सुसु पोटी करना है ना, जल्दी करा, टाइम वेस्ट मत कर। आती हूँ, दो नंबर। हाँ शुरू करते हैं। शुरू कर दो। हाँ देर भी तो हो रही है। तो चलिए इनसे जानते हैं इन्हें कैसा फील हो रहा है। मैम आपको कैसा फील हो रहा है? एक्चुअली ना मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और बहुत शॉकिंग सा फील हो रहा है, क्योंकि ना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी वायरल हो जाऊंगी। मतलब मैं कभी सपना देखा करती थी कि मैं भी कभी वायरल हो जाऊं, जैसे दुनिया नहीं होती रहती कच्चा बादाम वगैरह वाली। तो मैंने सोची थी मैं भी एक दिन वायरल होंगी, और आज वो दिन आ गया, मैं वायरल होगी। मैं बहुत खुश हूँ। तो देख सकते हैं आप, और आपने वीडियो में भी देखा होगा इनके काम को, इनके बच्चे के पढ़ाने को, हर चीज़ ये अपने आप अकेले ही करती हैं। इससे पता चलता है इनकी परवरिश कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो इनके पेरेंट्स के बारे में जानते हैं। चलिए मैम आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं और वो क्या करते हैं? एक्चुअली वो क्या है ना, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ। दरअसल मैं यहाँ नहीं रहती थी, पहले हम लोग कहीं और रहते थे, और एक एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा दोनों ही चले गए थे, और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है, ना किसी रिश्तेदार ने मुझे अपने साथ रखा। तो तब से मैं बस अकेली ही रहती हूँ, और तभी मैंने सोच ली थी कि जैसे मेरे सर पे माँ बाप का हाथ नहीं है, वैसे कितने सारे बच्चे हैं जो अनाथ है, जिनका कोई भी ध्यान रखने वाला नहीं होता है। इसलिए मैंने तभी से सोच लिया था कि उन बच्चों का ध्यान मैं रखूँगी, उन्हें अच्छा खिलाऊँगी, पिलाऊँगी, पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, सब कुछ करूँगी जो मेरे से हो सकता है उनके लिए। ठीक है, सो सैड, सॉरी। तो देखा आपने ये लोगों को कितना प्यार बांटती हैं, खासकर बच्चों को, लेकिन इनको प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। तो बारी अब आपकी है। जितने भी फॉलोअर्स हैं इनके, वो सब इनको कमेंट करें, DM करें, और चिट्ठियां भी भेजें, और इनको प्यार दिखाएं। और प्यार से याद आया कि कोई प्यार व्यार तो होगा इनका। चलिए ये क्वेश्चन पूछते हैं। मैम आपका कोई प्यार तो होगा? नहीं नहीं, मेरा कोई प्यार व्यार वाला कुछ भी नहीं है ऐसा अभी। पर हाँ, जब मैं छोटी थी तो मैं यहाँ नहीं रहती थी, अपने मम्मी पापा के साथ पुराने वाले घर में रहती थी। तो वहाँ मेरा एक दोस्त हुआ करता था, हम दोनों बहुत छोटे थे तब, और बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे हम, और साथ में ही पढ़ते थे, साथ में ही खेलते थे, हर टाइम साथ में ही रहते थे, और मैं बस उसी से प्यार करती थी, और आज तक बस उसी से प्यार करती हूँ। उसके अलावा कभी किसी से प्यार ही नहीं हुआ। तो आशा करते हैं आपको आपका प्यार जल्दी मिले। इसी के साथ मिलते रहेंगे हम अगले इंटरव्यू में परसों तक चैनल। थैंक यू।
कट। कितना सही हुआ ना? हाँ मजा आया यार, अच्छा इंटरव्यू हो गया। मेरी तो टीआरपी भी बढ़ जाएगी, और तू तो वायरल हो ही गई वैसे भी। टीआरपी? यानी तू इस इंटरव्यू से पैसे कमाएगी? हाँ। ठीक है तो फिर आधा आधा हम दोनों का। क्यों क्यों क्या, जितना तेरा इसमें हाथ है ना उससे कई गुना मेरा हाथ है इसमें, तो मेरा तो बनता है ना। और वैसे भी जो मैं अपना 50% लूंगी ना वो बच्चों में बांटूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अरे मुझे कौन चिट्ठी भेजेगा? चिट्ठियाँ? अरे इतनी सारी चिट्ठियाँ। तुम्हारा प्रिय छोटा भाई पिता, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, दो दो माए। इस सोशल मीडिया ने तो बैठे बैठे मुझे इतने सारे रिश्तेदार दिलवा दिए, माँ बाप भाई बहन सब। ये किसकी चिट्ठी है, नाम ही नहीं लिखा कुछ, शायद अंदर होगा। मैं नहीं जानता था कि मैं तुम्हें आज तक याद होऊंगा, लेकिन आज जब तुम्हारा इंटरव्यू मैंने टीवी पे देखा तब मुझे पता चला कि तुम्हारा बचपन का दोस्त विनय तुम्हें आज तक याद है। बचपन में तो मैंने तुम्हें खो दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और तुम्हें जैसे ये लेटर मिले इस नंबर पर मैसेज कर देना। तुम्हारा विनय। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसे मैं आज भी याद आऊंगी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। बहुत दिन हो गए तुमसे चैटिंग पे बात करते हुए, अब मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे तुमसे मिलना है। और हाँ हम कल मिल रहे हैं, और मैं तुम्हें अभी लोकेशन सेंड करता हूँ। क्या कल? ये तो कल मिलने के लिए बोल रहे हैं, पर मैं और तुमसे मिलकर तुम्हारे मुंह से पहला शब्द मैं आई लव यू सुनना चाहता हूँ। ठीक है। ओह शिट, कल इससे मिलने जाना है, मैं क्या पहन के जाऊंगी, पहली बार मुझे देख रहा है और मेरे मुंह से पहले वर्ड आई लव यू ही सुनना चाहता है। मैं जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ कल की, अच्छे से कपड़े निकाल लेती हूँ। Sexy.
पुलिस वाला। I love you. क्या कोई हम पे भी प्यार कर सकता है? वाह बेटे, आज तो लड़की ने आई लव यू बोल दिया, अब तो इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको तो पकड़ के ही रहूंगा और इससे शादी करूंगा। ऐसा मजाक भी भला कोई करता है क्या किसी के साथ? इसे मैं अभी बताती हूँ। सॉरी यार, तुम्हें बुरा लगा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और हाँ, कल मैं तुमसे पक्का मिलूंगा इस लोकेशन पर, अपने भाई खोल के मेरा इंतजार करना कल। ठीक है, फाइनली कल इससे मिल ही लूंगी। लोकेशन तो यही बताई थी, पर वो कहाँ रह गया? सच उसी का होगा। ठीक है, जी जी सर, वो काम मैं कर लूँगा सर। ये क्या हो रहा है? मैडम आप ठीक तो हो? हाँ। ये थे कौन? भारो, कामरा तू? मैडम आप इसको जानती हैं क्या? हाँ सर, ये मेरी दोस्त है। अच्छा, ये आपकी दोस्त है, तो आपकी दोस्त आपको मारना क्यों चाहेगी? अब इस बात का जवाब तो यही देगी ना। हाँ, मैं ही हूँ जो तेरे को मारना चाहती थी। तुझे याद है, तूने अपने बचपन के प्यार के बारे में मुझे बताया था, तब मुझे पता लगा ये तो वही लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ। और तू उससे प्यार करे और वो भी तेरे से प्यार करे, ये मुझे मंजूर नहीं था। तो मैंने प्लान बनाया कि तेरे को ही रास्ते से हटा दिया जाए, और ये प्लान भी फ्लॉप हो गया मेरा। तुझे शर्म नहीं आई? अरे दोस्ती में अपना फायदा नहीं देखा जाता है, और अगर तूने मुझसे दोस्ती की थी तो उसको निभाना भी सीख लेती। अरे मैं तो तेरे लिए जान देने को तैयार हूँ, और तू एक लड़के के पीछे मेरी जान लेने पे तुली थी। शर्म आती है मुझे तुझे अपना दोस्त कहते हुए। अरे तुझे वो लड़का पसंद था तो मुझे बोल देती, मैं पीछे हट जाती और तू रह लेती उसके साथ। पर नहीं, तुझे तो जरा सी भी शर्म नहीं है। कोई बात नहीं मैडम, आप फिक्र मत कीजिए, इसको ना मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। सॉरी नैंसी, प्लीज आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज सॉरी नैंसी। सर ले जाओ इसे। चलिए मैडम, बैठिए गाड़ी में। वैसे मैडम आपने आई लव यू बोला था मुझे, इसके बारे में कुछ सोचा? जाओ सर ले जाओ इसे, मूड खराब मत करो। ठीक है मैडम। नैंसी? हाँ, आप कौन? मैं विनय।
मैं किसी विनय को नहीं जानती हूँ। वैसे भी इस नाम की वजह से मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है। मेरी दोस्त थी, मुझे मारने चली थी। मैं आपको नहीं जानती, प्लीज चले जाओ यहाँ से। यही तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना। खुश नसीब है चाहे जिसे दूर से दुनिया, वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी।